हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फर्स्ट, लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। सही उत्तर है ऑक्सीकरण का। दूसरा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। तीसरा, एंजियोस्पर्म के किस कुल में गन्ना संबंध है? इसका उत्तर है ग्रेमिनेस कुल से। चौथा, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजू। इसका उत्तर है अमाजू। फाइव, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। छठवां, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसका सही उत्तर है तिब्बत का पठार। सेवन, शेन वॉर्न सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? शेन वॉर्न की। आठवां, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 1970 और 71 में। इसका सही उत्तर है 1970 और 71 में। नौवां, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? अनार्यों के लिए। इसका सही उत्तर है अनार्यों के लिए। दसवां, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है? इसका सही उत्तर है 1979 में। 11, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका सही उत्तर है शून्य। 12, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह किसकी सूचना किसे देगा? प्रधानमंत्री को। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री को। किस गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना। इसका सही उत्तर है दुगना। 14, गौपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। 15, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1947 वर्ष में। 16, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। 17, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? इसका सही उत्तर है लेयू वेन हॉक ने। 18, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान का आर्थिक लगान कहते हैं? भूमि के प्रयोग के लिए। इसका सही उत्तर है भूमि के प्रयोग के लिए। 19, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? मिन्हाज उस सिराज को। इसका सही उत्तर है मिन्हाज उस सिराज को। 20, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका सही उत्तर है स्विट्ज़रलैंड में। थैंक यू दोस्तों।